यद्यपि उत्तम तो दस्युओं ने मार गिराया सुरुचि का पुत्र, वो मदांध था, अंततः सुरुचि को भी ध्रुव के भी शरणापन्न रहना पड़ा और ये ध्रुव ने घर संभाल लिया। लोहे की दो चीजें देखी होंगी आपने, कैंची और सुई। कैंची काट देती, अलग 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 कर देती है कपड़े को, और सुई जोड़ देती है। भक्त किसे कहेंगे जो जोड़ दे भगवान के साथ, जो जोड़ दे भगवान से, योग कर दे। ऐसे ध्रुव ने द्वादश अक्षर मंत्र जपा, भगवत सिद्धि हुई। उसी का पुत्र उत्कच, ध्रुव का उसे अंग, अंग से वैन, वैन मदांद दुराचारी था, उसका मान मर्दन करके उस समय के ऋषियों ने पृथु का निर्माण किया और पृथु ने फिर सारी धरती पर एक व्यवस्था पैदा की। तब से इस धरती का नाम हो गया पृथ्वी। पृथ्वी, इस धरती को पृथ्वी कब से कहने लगे, अथवा इस भूमि को पृथ्वी कब से कहने लगे, पृथु के कारण, क्योंकि पृथु ने एक व्यवस्था दी। ध्रुव का पुत्र उत्कच, उसका अंग, अंग से वैन, वैन दुराचारी था, संतों ने हुंकार भरी, ऋषि मुनियों ने कहा नए तरीके का राजा बनाएंगे और पृथु का निर्माण किया गया। एक लोक कल्याणकारी एक सत्पुरुष उसका उदय हुआ और उसने फिर ये पृथ्वी, जिस मंत्र से ये सब होता रहा, वो मंत्र था द्वादश अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र गुरु से मिला, नारद से, तो पीढ़ियों तक इस मंत्र से सिद्धि हुई, वासुदेवाय। समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सरमिति, समात्मा सुदुर्लभ सदुर्लभ, सब में वही एक है, इसलिए इसे खर्च मत करो, भोगो मत। तीन व्यक्ति ने भुंजी था मां हृदय कस्फित धनम, पेड़ पौधे लकड़ी कोयला तेल रसायन ये सब चीजें इतना भोगो मत, प्लास्टिक का ढेर मत छोड़ के जाओ। यहां ये पीढ़ियों तक ये मंत्र काम में आया।